लेकिन बात फटाफट से अब कश्मीर की भी कर लेते हैं क्योंकि राजनीति गर्म है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। एक बयान सामने आया महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है एक तकरीर के दौरान। दरअसल कश्मीर को भगवा रंग में नहीं रंगने देंगे, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। 370 हटाकर कश्मीर के साथ धोखा किया गया है, ये महबूबा मुफ्ती कहती है। विकास के नाम पर झूठे वादे किए गए महबूबा मुफ्ती ने, तंज कसा है खासतौर पर। और महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साध दिया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भगवा रंग में नहीं रंगने देंगे खासतौर पर कश्मीर को। और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा गया था। हमारे साथी सैयद तजम्मुल इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीनियर साथी हैं। लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवा देते हैं, फिर सीधे अपने सीनियर साथी के पास चलेंगे। वो बातचीत पूरी बताएंगे आपको कि खासतौर पर महबूबा मुफ्ती क्या इशारा कर रही थी। पुराने वाले लोगों ने कबूल किया जो मेरा पहला दौरा रहा पीर पंचाल का और अब चुनाव रैली कर लोगों से बात करती हूँ तो एहसास होता है बहुत मायूस है। लोगों को लगता है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि जो हमने इल्हा किया था वो गांधी जी के भरोसे पे, जवाहरलाल नेहरू के भरोसे पे और इस मुल्क की सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के भरोसे पे किया था। एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने एक सेक्युलर मुल्क से हाथ मिलाया पाकिस्तान के साथ। हमने मगर जो पिछले 2 साल पहले हमारे साथ हुआ, जिन शर्तों पे हमने इस मुल्क से हाथ मिलाया था वो शर्तें हमने तोड़ दी, तो मेरा ये मानना है उससे हमारा रिश्ता काफी ज्यादा कमजोर हो गया और लोग इसको महसूस करते हैं और इसके असरात भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारा यहाँ के वसाइल जो जिस पे हमारा हक था वो भी दिन ब दिन उसके भी बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं। खासकर बेरोजगारी 21% से ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। बाकी तो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल तो है ही है, मगर सबसे ज्यादा अगर लोगों को इस वक्त किसी चीज का दुख है, तकलीफ है, तो ये है कि जिस तरह से हमारी पगड़ी उछालेगी, हमारे सर से चादर छीनेगी, वो हमें काबिले कबूल नहीं है। हम मसले कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का हल चाहते हैं, हम खून खराबा बंद चाहते हैं और जो हमसे हमारा वकार छीना गया हम उसकी भलाई चाहते हैं। बीजेपी को ये गलत फहमी है कि वो पार्टी जो है किसी इंडिविजुअल से होती है। पार्टीज का अपना एक एजेंडा होता है, जैसे हमारा एजेंडा, हमारा एक विजन है मुफ्ती साहब का, सेल्फ रूल का, डायलॉग का, रिकंसिलेशन का, जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये हमारा एजेंडा। तो आपने सुना महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, सीधे तजम्मुल का रुख कर रहे थे हमारे सीनियर साथी हैं। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में हमें अपना समय देने के लिए। तजम्मुल बताइएगा इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि भगवा रंग सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रही थी महबूबा मुफ्ती। 370 को लेकर कहा गया जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि 370 को लेकर लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है। विकास को लेकर कहा गया है खासतौर पर और बातचीत को लेकर कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत खासतौर पर होनी चाहिए। क्या इशारा समझे कि ये विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी है, क्योंकि काफी गहमागहमी हम देख रहे हैं। सिर्फ महबूबा मुफ्ती का जिक्र नहीं करेंगे, हर एक पार्टी का जो इस वक्त डेरा डाले हुए है जम्मू के अंदर, डेरा डाले हुए है कश्मीर के अंदर। किस तरीके से देखते हैं आप खासतौर पर पीडीपी को इस समय में? देखिए हर्ष भारद्वाज, जब आप जम्मू कश्मीर के मीन्स में लीडरान को सुनते हैं, उन्हें दौरों के दौरान देखते, खुश आइंदा बात है कि 35 से 370 के बाद महबूबा मुफ्ती, सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, कमोबेश तमाम कयादत ने बहुत सारा वक्त डिटेंशन में गुजारा। उसके बाद अटकलें थी कि शायद वहां से ये नाराज होकर निकलेंगे और अपना लाइन ऑफ एक्शन जो उनका होगा वो कदर मुख्तलिफ होगा। लेकिन खुशाइंदा बात यह है कि मेन स्ट्रीम पार्टियां डेमोक्रेसी में अब दोबारा लोगों के पास जाने लगी हैं। खतः चनाब, पीर पंचाल का दौरा महबूबा मुफ्ती का जारी है, एक हफ्ते का दौरा है, और डोडा रामबन तक पहुंची जहां उन्होंने डोडा से सफर शुरू किया था। मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम पार्टी लीडर असल सूरत हाल से आगाह है, उन्हें पूरी सूरत हाल की वाकफियत है कि सरहदों पर जब बंदूकों के दहाने खामोश होते हैं तो उसका मुस्बत असर इक्तसादियात और जम्मू कश्मीर के आम लोगों पर कितना मुस्बत तरीके से पड़ता है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में साल 1996 में पॉलिटिक्स में आई और उस वक्त उनके वालिद और बाकी लीडरान जब मिलजुल कर एक नक्शा खींचा कि जम्मू कश्मीर को अमन का गहवारा बनाया जाए और दावा किया गया पीडीपी की तरफ से कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में एक पुल की हैसियत से वो काम करेंगे ताकि जितने भी मसाइल और मामलात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सके। उसके बाद वक्त गुजरता गया,
महबूबा मुफ्ती की पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी है, कांग्रेस की अपनी है, बीजेपी की अपनी है। जो महबूबा मुफ्ती को हम सुन रहे थे और आरिफ वहीद हमारे साथी के साथ बातचीत कर रहे थे गूल में, मैं बता दूं कि महबूबा मुफ्ती का वही स्टांस है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। डिटेंशन पीरियड से पहले, डिटेंशन के बाद, अगर आपको याद होगा हर्ष, जब जम्मू कश्मीर में पहले कांग्रेस पार्टी के साथ, कौमी पार्टी के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी को हुकूमत साजी का सिर्फ दो बार मौका मिला और हुकूमत तीन तीन साल तक ही चली, और इन तीन तीन सालों में जो इन्वेस्टमेंट पीडीपी की थी, वो पीस प्रॉस्पेरिटी की गई थी। उसके बाद अगर आपको याद होगा, एजेंट ऑफ अलायंस दोनों बार मशरूत तरीके से तहरीर किए गए, कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अभी अलील हैं उनके साथ, और बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और उस वक्त पार्टियों ने यकीन दिलाया कि एजेंट ऑफ अलायंस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और पीडीपी का जो एजेंट ऑफ अलायंस था बीजेपी के साथ जाने का, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडरान के साथ बातचीत थी, वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग था, वो जम्मू कश्मीर में 370/35 को रोकना था, इसको सस्टेन करना था और इस रिश्ते को और मजबूत करना था। लेकिन वक्त गुजरता गया, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंट ऑफ अलायंस में लिखा था उन्होंने वही किया। हालांकि उस वक्त बड़ी बेबसी के साथ पीडीपी ने अपना दफ्तर बंद किया और वापस आए, बाद में डिटेंशन पीरियड गुजारा। वक्त की पुकार है कि मरकज को, जिस वक्त 70 मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, एक खुशाइंदा बात है, यह भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। 35 से 370 के बाद दोबारा माहौल जो है पब्लिक को, जनता को, मिनिस्टरों से मिलने का मौका मिला। उसके बाद महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, मोहम्मद अकबर लोन साहब, बाकी लीडर जो है अभी आउटरीच प्रोग्राम है, अल्ताफ बुखारी साहब को, एक जगह पर जाते रहे। लेकिन सबका मकसद एक है, जम्मू कश्मीर को अमन का गहवारा बनाना है। और कोई भी पार्टी आपको यह नहीं कहेगी, जिस वक्त आज अमित शाह ने गोवा में एक तकरीर के दौरान कल शाम को कहा था कि मुजाकराती टेबल खत्म है, अब जो होगा सर्जिकल स्ट्राइक से समझाया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर रिश्ते पे टिकी है, चाहे आइंदा विधानसभा, राज्यसभा का वोट हो, लोकसभा का वोट हो। अगर आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा, महबूबा मुफ्ती ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पॉलिटिक्स उनके लिए एक इबादत है, लेकिन उसमें एक छोटा हिस्सा जो वो इंतखाबात है, वो इलेक्शन पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि कुछ पार्टियां अब रिलॉन्च की जा रही है, रिशेप किया जा रहा है। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को जब हम सुनते हैं तो खासतौर पर वो इतिहास को बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इतिहास में क्या था 370 को लेकर, खासकर हो चाहे फिर विकास को लेकर खासकर हो, क्योंकि वो बीजेपी के साथ रह चुकी है गठबंधन में। खैर, अब वो चीजें नहीं है, लेकिन अब पीडीपी का एजेंडा क्या है? क्या 370 पर अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो लड़ा जाएगा? क्योंकि 370 का मसला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बातचीत होना चाहिए, बातचीत के मूड में ना तो पाकिस्तान है ना भारत है, वो परिस्थितियां भी हम देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है। विकास का जिक्र करें तो विकास का एजेंडा इस वक्त बीजेपी के पास है। अपनी पार्टी का जिक्र करें तो अपनी पार्टी भी अपना एजेंडा लेकर चल रही है, कांग्रेस स्टेटहुड की बात कर रही है। तो पीडीपी का इस वक्त एजेंडा क्या है? क्या लोगों के पास वो जा रही है? तो जिक्र वो हर एक चीज का कर रही है, जो हर एक पार्टी कर रही है। अपना एजेंडा क्या है कि हाँ, आगे आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो आखिर क्यों पीडीपी पर लोग भरोसा करें? क्या पीडीपी ऐसा कहना चाह रही है लोगों पर? देखिए हर्ष, पीडीपी एक मतबादल के तौर पर, हमने जम्मू कश्मीर, जब से हम बड़े हुए, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही हुकूमत साजी में देखा। कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो थे, कभी उनके साथ में थे। लेकिन जिस वक्त, जब हमारी उम्र की हम बात करते हैं, तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही हमेशा इक्तदार में पाया। उसके बाद 96 में पार्टी लॉन्च हुई और पीडीपी ने दावा किया कि वो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या मतबादल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले है। यानी जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जब इंडो पाक डायलॉग की बात होगी, इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच में एग्रीमेंट्स, वर्किंग ग्रुप्स की बात करें, मेनस्ट्रीम पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले पीडीपी आई, तब से वो दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर जो है ये सिर्फ तामीर और तरक्की का मसला नहीं है, ये विकास का मसला नहीं है, बल्कि ये वो शख्स जानता है जो बॉर्डर पर रात गुजारता है, ये असम का, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट का वो फौजी जानता है जो आज इस वक्त राजौरी में लड़ रहा है बंदूक बरदारों के खिलाफ। इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए पीडीपी दावा कर रही है कि वो दोनों मुल्कों के बीच में पहले रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, ताकि ये जंग जदल जो है, जो इस वक्त एक लाश सिविलियन की उठती है, एक लाश मिलिटेंट की, एक लाश फौजी की उठती है, एक लाश बिंद्रू की उठती है, एक लाश
सरदार की उठती है, सरदार जो कि टीचर हुआ करती थी, ये मामला रुक जाने चाहे थे। अगर वो इसमें लेकिन के सवाल आगे ये भी तो है ना तजम्मुल, क्योंकि आपने भी देखा और हमने भी देखा जब राजनाथ सिंह जी पहुंचते थे महबूबा मुफ्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तब भी तो एजेंडा रखा जाता था और महबूबा मुफ्ती को समय भी मिला कि खासतौर पर वो केंद्र को मनाए कि हाँ बातचीत हो सके पाकिस्तान के साथ, जब वो बातचीत का कहती है कि बातचीत से मसला हो सकेगा, लेकिन वो विफल साबित रही है क्योंकि केंद्र सरकार का जिक्र करता हूं, अभी केंद्र सरकार मूड में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब तक एक कदम नहीं बढ़ाया जाएगा भारत की तरफ से भी नहीं बढ़ाया जाएगा और सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, और अब तो तालिबान का मसला है तो और ज्यादा खुलकर परिस्थितियां सामने आ रही हैं। हर्ष आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती के चीफ मिनिस्टर रहते डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता थे, बाद में वो स्पीकर बने। अगर आपको याद होगा कि 11,000 के करीब सिटून पेल्टर्स को एमनेस्टी दी गई, किन्होंने दी? बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी हुकूमत साजी का हिस्सा था, पीडीपी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे था। उसके बाद दूसरी अहम बात, अगर आपको होली मंथ रमजान में याद होगा तो मिलिटेंटों के खिलाफ एक तरफा सीज फायर किया गया, वो किन की तरफ से किया गया? बीजेपी और पीडीपी ने, क्योंकि बीजेपी मरकज में था, होम मिनिस्टर मरकज से था और चीफ मिनिस्टर यहां पर यूनिफाइड कमांड की चेयरपर्सन होती है, वजीर आला इत्तेफाक से थी, तो उस वक्त कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे जिसका सपोर्ट मरकज ने बहुत ज्यादा किया। अगर आपको याद होगा जिस वक्त लगातार राजनाथ सिंह कश्मीर आते रहे, उनका चौथा टूर अभी होने वाला था के बाद में उनके जो पोर्टफोलियोज हैं वो तब्दील हो गए, और उसके बाद जो तब्दीली, क्योंकि बीजेपी को भी एक चैलेंज है मरकज में, देखें बीजेपी एक इंडिविजुअल नहीं है, बीजेपी एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का नहीं है, बीजेपी में आप तीन लोगों को गिन रहे हैं, बीजेपी ये नहीं है, बीजेपी मुल्क है, मुल्क में उनको एमनेस्टी स्टून पेल्टर्स को देने के बाद वोटरान का मूड देखना है। मिलिटेंटों के साथ एक तरफा सीज फायर किया, कठुआ में जो मासूम लड़की के साथ ज्यादती हुई थी उसको मंतक की अंजाम तक चीफ मिनिस्टर ने पहुंचाया, सीबीआई के हवाले केस न किया, क्राइम ब्रांच से कराया था तहकीकात और बाद में सजा भी हुई उनको। अगर आपको याद होगा ये तीन चीजें जो अचीवमेंट बीजेपी और पीडीपी ने दी, ये तभी दी गई जब मरकज ने साथ निभाया। उसके बाद मरकज को अपनी मजबूरियां, बीजेपी को अपनी मजबूरियां हैं, उन्हें पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि पीडीपी का एजेंडा कदर मुख्तलिफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कदर मुख्तलिफ है, कांग्रेस एक कौमी पार्टी है, उसके मतबादल रूट होते हैं, कभी अल्टरनेट रूट एग्जिट यहां से होता है तो उनकी एंट्री कहीं और से शुरू होती है। मुझे लगता है जब तक जम्मू कश्मीर में किसी भी रीजनल पार्टी को, एक वक्त अगर आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी थी और उसकी जब सीटें थी तो जब उन्होंने अपना ऑटोनॉमी का फार्मूला लाया तो उसको रदी टोकरी में फेंक दिया गया, उसको मरकज के सामने रखा भी नहीं गया। अब जब तक ना आप जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो चाहती है, जो उनका अपना पॉलिटिकल सियासी एजेंडा है, हर पार्टी को अपना एजेंडा है, वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर अपनी तरफ से हुकूमत साजी करें, पीडीपी को वो पसंद नहीं था, पीडीपी कहती है कि 28 सीटें जम्मू कश्मीर के अवाम ने दी लेकिन बीजेपी इस पे हावी होगी, इसलिए मुफ्ती सईद ने उस वक्त कहा था। अगर आज के समय में हम देखें खासतौर पर, क्योंकि एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम पार्टियों में देख रहे हैं फेरबदल, क्योंकि एनसी का मसला तो अभी आपने देखा कि देवेंद्र राणा साहब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, दिल्ली में जाकर अनाउंसमेंट भी कर दी गई कि हाँ हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं और आगे आने वाले समय में भविष्य अच्छा सके उसके लिए परिस्थितियां हम देख रहे हैं, और 17 लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया, तो क्या रीजनल पार्टियों के लिए अब थोड़ी मुश्किल भी खड़ी होने लगी है? क्योंकि बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और बीजेपी चाहती है खासतौर पर आगे आने वाले समय की जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री हो वो उनका हो खासतौर पर, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा रहती है, इसलिए हमेशा से देखते आए हैं चीफ मिनिस्टर कौन रहा है, लेकिन जो बीजेपी अब दावा ठोक रही है कि अब चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा, क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि तैयारी बड़ी है और वो हम जमीनी स्तर पर देख भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए आलमी कप में अभी 18 टीमें गई, हर टीम जो चाहती है वो आलमी कप जीत के आए, बीजेपी की कौन सी गलत बात है? अगर वो जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर, तामीर और तरक्की के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि अगर आप जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आसाम, हिमाचल में अपनी हुकूमत साजी करना चाहते हैं उसके लिए आपको इलेक्टोरल वोट हासिल करना है उन लोगों का जो वहां के वासी होंगे, क्योंकि सब कुछ आप कर सकते हैं लेकिन वोटरान को जब आप बैलेट बॉक्स तक ले जाते हैं, ईवीएम तक ले जाते हैं, तो मर्जी उनकी है वो किसके हक में वोट देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी की ये पसंद पहली है, रविंदर रैना भी बयान दे चुके हैं और अब दविंदर राणा के आने के बाद समय की कमी है जो आप परिस्थितियां बता रहे हैं, खैर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी कितना कमाल कर पाएगी। फिलहाल विधानसभा